ओम शांति। आज हम सब मिलकर बहुत ऊंचे स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात अपने मन बुद्धि को जब चाहे जहां चाहे वहां एकाग्र कर सके। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी किसी परिस्थिति में परेशान नहीं हो सकता। मास्टर सर्वशक्तिवान जिस संस्कार का परिवर्तन करना चाहे वो कर सकता है। इस ऊंची स्थिति के लिए पहला अभ्यास करें। मैं आत्मा राजा हूं, मैं आत्मा अपने मन की राजा हूं, कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। इस एक संकल्प को अनेकों बार मन में दोहराएं। अपने आप को मस्तक सिंहासन पर राजा की सीट पर बैठा हुआ देखें। मैं आत्मा राजा इस मन को जो आदेश दूं ये मेरी बात अवश्य मानता है। मैं आत्मा राजा बुद्धि रूपी नेत्र को जहां एकाग्र होने के लिए कहूं ये वहीं टिक जाता है। अपने मन बुद्धि को आदेश दे। अपने ही निराकारी स्वरूप पर 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाओ। मस्तक में अपने अत्यंत तेजस्वी रूप को देखें। कुछ सेकंड के लिए एकाग्र हो जाए।
मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुट बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। समाचार पूछे सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। बड़ा न्यायकारी मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी, सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन शासन चलाए। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाए। छाया के खोया हुआ राज फिर से दिलाया, उपकार उसने किए हम पे इतने के आभार धरती गगन मिल के गाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाए। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाए। यही मेरा अति सुंदर अति न्यारा दिव्य स्वरूप है। कुछ सेकंड तक इस गुड फीलिंग में रहें
आत्मा राजा। मन बुद्धि संस्कार के मालिक हूं। अब अपने मन बुद्धि को आदेश दे परम धाम में, निराकारी दुनिया में ज्योति बिंदु आत्माओं के देश में सर्वशक्तिवान पर एकाग्र हो जाएं, जिनमें समस्त शक्तियां हैं, प्रकाश है, लाइट है, उस महाज्योति को तीसरे नेत्र से देखें। अनंत किरणों वाला बाबा, जिनका पवित्र प्रकाश, शक्तिशाली प्रकाश फाउंटेन की तरह मुझ में समा रहा है, सर्वशक्तिवान मेरा पिता है, मेरा शिक्षक है, मेरा सतगुरु है, जो कुछ है सब कुछ वही है,
सर्वशक्तिवान की अनंत किरणों के नीचे शक्तिशाली हूं। जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में हैं, वही शक्तियां मुझे सर्वशक्तिवान ने दी है। जिससे मेरा मन स्थित प्रज्ञ हो गया है, स्टेबल हो गया है, डिस्टर्बेंस से मुक्त हो गया है। अब मुझे कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं कर सकता, ना परेशान होना है ना करना है। भगवान वाच जो आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती है, वो कभी परेशान नहीं हो सकती। बार बार बुद्धि के अभ्यास से अपने मन बुद्धि को श्रेष्ठ अभ्यास में बिजी रखें। भिन्न भिन्न अभ्यास मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाते हैं, व्यर्थ से मुक्त रखते हैं। फिर से याद करें, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मन की मालिक हूं, ये मेरा मन मेरा दोस्त है। मेरा सहयोगी है, मेरी हर बात सुनता है, समझता है, आज्ञा का पालन करता है। बहुत गहराई से इस विचार को अंदर तक लेके जाएं। मैं आत्मा मन की मालिक हूं, ये मन मेरा आज्ञाकारी दोस्त है। मैं इसे जो कहूं, जब कहूं, मेरी हर बात सुनता है, हर बात समझता है, हर बात करने के लिए तैयार रहता है। ये मन अब अपने मन से
शक्तियों का प्रवाह चारों ओर फैलाओ। अपने भृगुटी सिंहासन से दिव्य प्रकाश फैलता अनुभव करें। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, लाइट ही लाइट है। मन अब विश्व परिवार के लिए श्रेष्ठ संकल्प करो, सबका कल्याण हो, सबके जीवन में खुशियां हो, सभी बाबा की छत्र छाया में सदा आनंदित रहे। शुभ संकल्पों के प्रवाह में देने का सुख अनुभव करें। बाबा से शक्तियां लेते जाएं, सबको देते जाएं। सबका भला।
याद दिलाएं और सीट पर विराजित रहें। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिमान, मैं आत्मा राजा हूं। महसूस करें बाबा के सानिध्य में, मैं आत्मा भी शक्तिशाली बन गई। बाबा के सानिध्य में मैं आत्मा भी शक्ति संपन्न बन गई। अब मेरा मन शांत है, स्टेबल है। अब मुझे किसी भी परिस्थिति में अपनी शान में रहना है, कभी परेशान नहीं होना। कोई परेशान आत्मा भी मिले उसको भी बाबा से शक्तियां लेकर शक्तियों का सहयोग दें, उनके चित्त को भी शांत कर दें। शांत वही कर सकता है जो स्वयं शांत है, डिस्टर्बेंस से मुक्त। से सर्वशक्तिमान पर एकाग्र हो जाएं और मन ही मन बाबा से वायदा करें, आप मेरे साथ हैं, अब मैं कभी परेशान नहीं होंगी। आप मेरे साथ हैं, अब मैं सदा शक्तिशाली रहूंगी। विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी मानसिक स्थिति को खराब नहीं करूंगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं।
शांति। मैं आत्मा विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त हूं। इस समय सब चाहते हैं विश्व में शांति हो। मनुष्य शांति के लिए कितना प्रयास कर रहे हैं। जब तप दान पुण्य ध्यान योग मेडिटेशन क्या क्या करते हैं फिर भी अशांत। वास्तव में शांति तो हम सभी का स्वधर्म है। शांति आत्मा के गले का हार है, लेकिन हम खुद को ही भूल गए थे। शुक्रिया प्यारे शिव बाबा का, जिन्होंने हमें फिर से हमारी सत्य पहचान दी, आत्मा का ज्ञान दिया। अभी हम बेहद के बाप के सामने बैठे हैं। वह कहते हैं, बच्चे सिर्फ अपने को आत्मा समझो। याद करें, मैं आत्मा शांति धाम की रहने वाली हूं। मेरा स्वधर्म है ही शांत। मेरे पिता शांति के सागर हैं और मैं शांत स्वरूप आत्मा। यह ईश्वरीय ज्ञान पाकर जिन्होंने खुद को जितना जाना पहचाना
उतना वह शांत होते गए। बाबा में और उनके ज्ञान में जितना निश्चय है उतना उनसे प्राप्तियां होती, सुख शांति शक्ति ये सब ईश्वरीय खजाने स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। मुझे ईश्वरीय श्रीमत मिली है, अभी इस संगम युग पर मुझे आत्मा को शांत बनने का पुरुषार्थ करना है। बहुत बहुत शीर्खंड होकर रहना है। बार बार स्मृति रहे कि हम ईश्वरीय संतान बने हैं। एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहना है। दैवी गुणों की धारणा बहुत अच्छे से करनी है। अच्छे गुण वाले को कहते हैं ना, यह तो जैसे देवता है। अब मुझे देवताओं की दुनिया में जाना है, तो उनके जैसा गुणवान बनने का पुरुषार्थ करना है। बार बार स्मृति रहे हम ईश्वरीय संतान हैं, तो ईश्वर के बच्चों की चलन कितनी अच्छी होनी चाहिए।
ज्ञान गंगा बहाने को, लिया ब्रह्मा का तन आधार। ज्ञान गंगा बहाने को, लिया ब्रह्मा का तन आधार। गुरु शिक्षक पिता बन के, गुरु शिक्षक पिता बन के, दे रहे हैं गुण भंडार। कितने तुम्हारे एहसान ओ मीठे बाबा, हम हैं तुम्हारी संतान ओ शिव बाबा। धाम से बाबा वादा तुमने निभाया है। कांटों से बना के फूल, कांटों से बना के फूल, जिन्हें हमको सिखाया है ये जीवन तुम्ही पे। मैं जैसा करूंगा मुझे देखकर और भी वैसा ही करेंगे। कोई भी अकर्तव्य करके मुझे बाबा की निंदा नहीं करानी है। सोलह कला संपूर्ण बनने का पुरुषार्थ करना है। फरमान बरदार सपूत बच्चा बनना है। हर कार्य समय पर करना है। बाबा कहते मेरे सपूत बच्चे ही जाकर राजा बनेंगे। तो चलिए अंदर में जांच करें। हमने देह अभिमान के वश हो
कोई भी कर्म तो नहीं किया? किसको दुख तो नहीं दिया? अशांति फैलाने की आदत तो नहीं है? ऐसे अपने को जांचते रहना चाहिए। सदा याद रहे, मैं विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त आत्मा हूं। मुझे कभी भी अशांत नहीं होना है। हम तो सारे विश्व में शांति स्थापन करने वाले हैं। अगर हम ही अशांत होंगे तो फिर शांति कैसे स्थापन करेंगे? याद रहे, हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं। हम तो अशांत हो न सके। अगर अशांत होते हैं तो शिव बाबा के पास पहुंच जाना चाहिए। मन बुद्धि से बाबा के पास पहुंचकर बाबा को अपने मन के सारे बोझ देकर हल्का हो जाना चाहिए। आओ अभी कुछ सेकंड यही अभ्यास करें। जो भी मन में बोझ है सब बाबा को सुनाकर एकदम हल्का हो जाएं, लाइट हो जाएं। अच्छा नहीं लगेगा, बाप को भी अच्छा नहीं।
साथ है बस गीत यही मैं गाता रहूं मेरा बाबा मेरे साथ है बस गीत यही मैं गाता रहूं मुझको मिला है ऐसा खजाना कैसे मैं ये किसी से कहूं मेरा बाबा मेरे साथ है बस गीत यही मैं गाता रहूं समझना चाहिए हम भगवान के बच्चे हैं वह हमें वर्षा देने आए हैं स्वयं शिव बाबा आकर हमको पढ़ाते हैं तो धारणा करनी चाहिए ना जरा सोचिए आधा कल्प जिनको याद किया हो वह भगवान धरा पर खुद ही आए हैं अपना वर्षा देने इस समय वह हमारे सम्मुख हैं अगर अब भी उनसे वर्षा नहीं लिया तो फिर कब लेंगे शिव बाबा के वर्षे पर हमारा संपूर्ण अधिकार है अब हमें कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना है जो इस वर्षे से वंचित हो जाएं।
हमें गुलगुल बनकर उच्च पद पाना है। लक्ष्मी नारायण के राज्य में आने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बार बार सारा दिन यही स्मृति रहे, हम तो बेहद के बाप के बच्चे हैं, हमको तो विश्व में शांति स्थापन करनी है। मैं विश्व में शांति स्थापन करने के निमित्त आत्मा हूं, इसलिए मुझे कभी भी अशांत नहीं होना है। शांति के सागर शिव बाबा से शांति की किरणें लेकर सारे विश्व को शांत करना है, सुखी बनाना है। मैं विश्व की आधार मूर्त आत्मा हूं, सबका उद्धार करने वाली उद्धार मूर्त आत्मा हूं। मुझे स्वयं शांत रहे, सबको शांत करना है। बाबा से वर्षा दिलाना है, ऐसा फील करें जैसे परम धाम से शांति के सागर शिव बाबा मेरे ऊपर अपनी शांति की किरणें बरसा रहे हैं। और मुझ आत्मा से होती हुई यह किरणें सारे संसार की आत्माओं तक पहुंच रही हैं। सब शांत हो रहे हैं, सबके दुख दूर हो रहे हैं। उनके दिल से हमारे लिए दुआएं निकल रही हैं। यह दुआएं ही हमें शक्तिशाली बनाती हैं। Thank you.
सदा स्मृति रहे अभी शिव बाबा इस संगम युग पर आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। वर्तमान समय ईश्वर का दिव्य कार्य चल रहा है। सतयुगी नई दुनिया बन रही है। मुझ आत्मा को भगवान के साथ पार्ट बजाने का महान कार्य मिला है। यह सुनकर कितना नशा चढ़ जाता है। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूं। अपने भाग्य का गुणगान करते रहें, बार बार दिल से निकले वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा बाबा वाह। अपने भाग्य का गुणगान करते रहें, बार बार दिल से निकले वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा बाबा वाह।
वह क्या आपका कमाल है। आपकी दुआ से हम बस माला माल है। वह बाबा वह क्या आपका कमाल है। आपकी दुआ से हम बस माला माल है। आपकी दुआ से हम बस माला माल है। वह बाबा वह क्या आपका कमाल है। आपकी दुआ से हम बस माला माल है। Thank you.
ओम शांति। आज हम सब मिलकर बहुत ऊंचे स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात अपने मन बुद्धि को जब चाहे जहां चाहे वहां एकाग्र कर सके। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी किसी परिस्थिति में परेशान नहीं हो सकता। मास्टर सर्वशक्तिवान जिस संस्कार का परिवर्तन करना चाहे वो कर सकता है। इस ऊंची स्थिति के लिए पहला अभ्यास करें। मैं आत्मा राजा हूं, मैं आत्मा अपने मन की राजा हूं, कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। इस एक संकल्प को अनेकों बार मन में दोहराएं। अपने आप को मस्तक सिंहासन पर राजा की सीट पर बैठा हुआ देखें। मैं आत्मा राजा इस मन को जो आदेश दूं ये मेरी बात अवश्य मानता है। मैं आत्मा राजा बुद्धि रूपी नेत्र को जहां एकाग्र होने के लिए कहूं ये वहीं टिक जाता है। अपने मन बुद्धि को आदेश दे। अपने ही निराकारी स्वरूप पर 5 सेकंड के लिए एकाग्र हो जाओ। मस्तक में अपने अत्यंत तेजस्वी रूप को देखें। कुछ सेकंड के लिए एकाग्र हो जाए।
मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी भृकुटि बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। समाचार पूछे सजग संतरी से, बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। बड़ा न्यायकारी मैं राजा भी राजी सुखी जनता सारी, सुसंस्कारों की जो सेना सजग हो तो दुर्गुण के दुश्मन से धोखा न खाए। मस्तक सिंहासन पे हम शासन चलाए। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाए। छाया के खोया हुआ राज फिर से दिलाया, उपकार उसने किए हम पे इतने के आभार धरती गगन मिल के गाए। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं राजन शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी त्रिकुट बीच दरबार अपना सजाएं। यही मेरा अति सुंदर अति न्यारा दिव्य स्वरूप है। कुछ सेकंड तक इस गुड फीलिंग में रहें
परमात्मा राजा। मन बुद्धि संस्कार के मालिक हूं, अब अपने मन बुद्धि को आदेश दे परम धाम में, निराकारी दुनिया में ज्योति बिंदु आत्माओं के देश में सर्वशक्तिवान पर एकाग्र हो जाएं, जिनमें समस्त शक्तियां हैं, प्रकाश है, लाइट है, उस महाज्योति को तीसरे नेत्र से देखें। अनंत किरणों वाला बाबा, जिनका पवित्र प्रकाश, शक्तिशाली प्रकाश फाउंटेन की तरह मुझ में समा रहा है, सर्वशक्तिवान मेरा पिता है, मेरा शिक्षक है, मेरा सतगुरु है, जो कुछ है सब कुछ वही है।
सर्वशक्तिवान की अनंत किरणों के नीचे शक्तिशाली हूं। जो शक्तियां सर्वशक्तिवान में है वही शक्तियां मुझे सर्वशक्तिवान ने दी है। जिससे मेरा मन स्थित प्रज्ञ हो गया है, स्टेबल हो गया है, डिस्टर्बेंस से मुक्त हो गया है। अब मुझे कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति परेशान नहीं कर सकता। ना परेशान होना है ना करना है। भगवान वाच, जो आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहती है वो कभी परेशान नहीं हो सकती। बार बार बुद्धि के अभ्यास से अपने मन बुद्धि को श्रेष्ठ अभ्यास में बिजी रखें। भिन्न भिन्न अभ्यास मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाते हैं, व्यर्थ से मुक्त रखते हैं। फिर से याद करें, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मन की मालिक हूं, ये मेरा मन मेरा दोस्त है। मेरा सहयोगी है। मेरी हर बात सुनता है, समझता है, आज्ञा का पालन करता है। बहुत गहराई से इस विचार को अंदर तक लेके जाएं। मैं आत्मा मन की मालिक हूं, ये मन मेरा आज्ञाकारी दोस्त है। मैं इसे जो कहूं, जब कहूं, मेरी हर बात सुनता है, हर बात समझता है, हर बात करने के लिए तैयार रहता है। ये मन अब अपने मन से
शक्तियों का प्रवाह चारों ओर फैलाओ। अपने भृगुटि सिंहासन से दिव्य प्रकाश फैलता अनुभव करें। मेरे चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश है, लाइट ही लाइट है। मन अब विश्व परिवार के लिए श्रेष्ठ संकल्प करो, सबका कल्याण हो, सबके जीवन में खुशियां हो, सभी बाबा की छत्र छाया में सदा आनंदित रहे। शुभ संकल्पों के प्रवाह में देने का सुख अनुभव करें। बाबा से शक्तियां लेते जाएं, सबको देते जाएं। सबका भला।
दिलाई और सीट पर विराजित रहे। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा राजा हूं। महसूस करें बाबा के सानिध्य में, मैं आत्मा भी शक्तिशाली बन गई। बाबा के सानिध्य में मैं आत्मा भी शक्ति संपन्न बन गई। अब मेरा मन शांत है, स्टेबल है। अब मुझे किसी भी परिस्थिति में अपनी शान में रहना है, कभी परेशान नहीं होना। कोई परेशान आत्मा भी मिले उसको भी बाबा से शक्तियां लेकर शक्तियों का सहयोग दें, उनके चित्त को भी शांत कर दें। शांत वही कर सकता है जो स्वयं शांत है, डिस्टर्बेंस से मुक्त। से सर्वशक्तिवान पर एकाग्र हो जाएं और मन ही मन बाबा से वायदा करें, आप मेरे साथ हैं, अब मैं कभी परेशान नहीं होंगी। आप मेरे साथ हैं, मैं सदा शक्तिशाली रहूंगी। विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी मानसिक स्थिति को खराब नहीं करूंगी। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं।
खुशी में गा रहा है वह बाबा है। दूध में मिली है हमको आपकी पनाह, दूध में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा रहा
सुख मिला था, सुख मिला था, सुख मिला था। खुशी में गा रहा है वह बाबा, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह, गोद में मिली है हमको आपकी पनाह। मन खुशी में गा शांति। आगे भी योग को जारी रखने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।